अनार के सेक्स में होने वाले फायदे, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अनार जो है पोमग्रेनेट, अनार को पोमग्रेनेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो ना दिखने में भी बहुत अच्छा है। जब आप निकालते खुलते उसको, मतलब काटते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है अपने अपने को, खुद को अपना मूड भी अच्छा बनता है। जब दाने खाते हो अनार के, खाने में मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अनार का जूस तो मैं बिल्कुल चाव से पीता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर अनार के सेक्स बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। क्या है कि अनार में फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, ये घटक है, उसके साथ साथ विटामिन सी है, विटामिन ई है। क्या होता है कि इसके वजह से अनार को बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। अब जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो उसके वजह से स्पर्म काउंट बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से अंदर की सूजन कम करता है, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की ताकत, शुक्राणु की तादाद बढ़ाता है, सेक्स हॉर्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी लेवल बढ़ाता है। तो ये सब फायदे अनार के हैं। तो फिर अनार को कैसे लेना चाहिए? अनार जूस जो है वो आप यदि एक ग्लास अनार जूस रोज 4 महीने लेते हैं, तो स्टडी में पाया गया है कि 47% लोग, 47% लोगों को 4 महीने अनार का जूस खाने के बाद में फ़ायदा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि आप रोज़ अनार का जूस लेते जाइए, 4 महीने तक आप अनार का जूस लो और फिर कमेंट करो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। अनार का जूस वायग्रा के साथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या है कि वायग्रा मतलब सिल्डानाफिल की दवाई और अनार जूस आप साथ में लेते हैं और दोनों का मिलन होके यदि लेवल बढ़ जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो प्रायपिज्म होने के चांसेस है। और प्रायपिज्म मतलब देखो, वायग्रा भी लैंगिक कठोरता लाएगा, अनार का जूस लैंगिक कठोरता लाएगा, अब दोनों हाथ मिला दिए तो लैंगिक कठोरता इतनी ज़्यादा हो जाएंगी जिसको प्रायपिज्म बोलते हैं, कि जो 4 घंटे से ज़्यादा है, और फिर दर्द होना चालू हो जाएगा, वो हो जाएंगी मेडिकल इमरजेंसी। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप अनार जूस लेते होंगे तो वायग्रा लेना नहीं, वायग्रा लेते होंगे तो अनार जूस लेने का नहीं है। बाकी अनार जूस आप लेते हैं तो लेकर क्या फ़ायदा हुआ आपको, कितना फ़ायदा हुआ वो जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।